जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कचकारण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूँ इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों, आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। दोस्तों, यूं तो मौका मिलने पर आप सभी अवश्य ही घूमने निकल जाते होंगे, परंतु इस रोमांचक यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे भारत के दर्शन पर जो अपनी विरासत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के बैंगलोर शहर, जो उसकी राजधानी भी है, से 157 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रवणबेलगोला, जो अपनी गोमतेश्वर बाहुबली की विश्व विख्यात प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, श्रवणबेलगोला का नाम सुनते ही आप सभी को पर्वत की चोटी पर स्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा का स्मरण हो आया होगा, किंतु एक रोचक तथ्य यह भी है कि श्रवणबेलगोला के निचले हिस्सों तथा आसपास के इलाकों में कुछ ऐसे अद्वितीय स्थान आज भी मौजूद हैं जो अति भव्य व अलौकिक होने के बावजूद भी अब तक सुर्खियों में अपना स्थान नहीं बना पाए हैं। इन स्थानों पर पाई गई है सहस्त्रों वर्ष पुरानी मूर्ति कला तथा वॉल्स पर फ्रेस्कोज यानी भित्ति चित्रों के कुछ ऐसे नायाब नमूने जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं श्रवणबेलगोला के लिए। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एज वी आर रेडी टू गो। रास्ता बेहद सुंदर है व आकाश बादलों से आच्छादित है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। साउथ की पहचान है नारियल के वृक्ष, जो यहाँ की संस्कृति का भी एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं कोकोनट ट्री प्लांटेशंस में। सड़क के दोनों ओर खड़े नारियल के वृक्ष लगता है मानो हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। हम आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। साथियों, सड़क के दोनों तरफ बस्ती की जगह हरे भरे वृक्षों को देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। यह नज़ारा आजकल कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन अर्थात शहरीकरण के कारण वृक्षों की जगह इमारतों ने ले ली है। इसी के साथ प्रकृति के नाम संदेश, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रतिवर्ष अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर अपने आसपास के इलाकों को हरा भरा बनाने में सहयोग दें, जिससे प्रदूषण में कमी आए और हमारा वातावरण शुद्ध व स्वच्छ बना रहे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वृक्ष एक, फायदे अनेक। सामने दिखाई दे रहा है श्रवणबेलगोला का बाहरी इलाका। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं श्रवणबेलगोला। सामने हम देख रहे हैं विंध्यगिरी पर्वत, जिस पर बाहुबली भगवान की सुप्रसिद्ध प्रतिमा स्थापित है। परंतु स्मरण रहे कि हमें तो अनछुए स्थलों को देखने हेतु निचले इलाकों की ओर जाना है। दोस्तों, रास्ते में सजी हुई दुकानें तथा लोकल मार्केट काफी आकर्षक लग रहा है। 350 से 1000 AD अर्थात आज से लगभग 2 से 3 हजार वर्ष पूर्व इन इलाकों में वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी यानी पश्चिमी गंगा साम्राज्य का राज था। दोस्तों,
कहा जाता है कि गंगा शासक सभी धर्मों को समान रूप से आदर देते थे, किंतु जैन धर्म के संरक्षण व प्रतिपालन को उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ श्रवणबेलगोला तथा उसके आसपास के इलाके जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों में से थे। गंगा शासकों का कला व फाइन आर्ट्स की ओर विशेष झुकाव था, जो यहाँ के मंदिरों की मूर्तिकला व दीवारों पर फ्रेस्कोस के रूप में साफ देखा जा सकता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में प्लेसेस ऑफ वर्शिप अर्थात मंदिरों को बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो मठ की बस्ती या श्रीमठ अथवा मथाडा बस्ती के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इस बस्ती अर्थात टेम्पल का निर्माण चामुंडराय ने 940 से 989 एडी के मध्य करवाया था और अपने गुरु नेमी चंद्र देव जी को यहीं प्रतिस्थापित किया। बाद में 18वीं सदी में मठ की बस्ती का जीर्णोद्धार हुआ। इस मंदिर की दीवारों पर पाए जाते हैं कुछ अत्यंत सुंदर प्राचीन फ्रेस्कोज अर्थात भित्ति चित्र, जिनमें कई यक्ष यक्षिणियाँ, मुनियों के अरण्य निवास, पार्श्वनाथ भगवान का संवत्सरण, नेमीनाथ जी व पंच परमेष्टियाँ तथा राजा तृतीय कृष्णराज ओडेयर जी का दरबार आदि सुशोभित हैं। साथियों, चामुंडराय गंगा शासकों के सेनापति व दरबार में आमात्य थे। कहा जाता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और कला के प्रति उनका विशेष लगाव था। उनका कला के प्रति समर्पण यहाँ इस मंदिर के स्थापत्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। हम अब प्रवेश कर रहे हैं इस सुंदर मंदिर के अंदर। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मठ के मध्य भाग में एक खुला आंगन होने का संकेत है, लेकिन बाद में इसे बंद करके ऊपर एक मंजिल का निर्माण करा दिया गया था। जरा नजर ऊपर करिए और इस सुंदर मूर्ति कला को देखिए। हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर मध्य में स्थित भगवान पार्श्वनाथ की सुंदर मूर्ति। पत्थरों पर कलाकारी का बेजोड़ कार्य है। भगवान पार्श्वनाथ के शीर्ष पर नाग का फन देख रहे हैं। दोस्तों, गौर करिए कि यहाँ नाग के 5 सिर हैं, जो इस प्रतिमा को सबसे अलग बनाते हैं, क्योंकि अक्सर भगवान पार्श्वनाथ के शीर्ष पर स्थित नाग के 3, 7 अथवा 11 ही सिर होते हैं। यह अद्भुत तथ्य है साथियों। जरा ऊपर दीवार पर बने हुए इस गंड बरुंड के चिन्ह पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यह 2 सिरधारी एक माइथोलॉजिकल पक्षी है, जिसे हिंदू धर्म में चमत्कारी शक्तियों का धारक माना जाता है। यह पक्षी मैसूर के ओडेयर साम्राज्य का शाही राजचिन्ह भी था दोस्तों, तथा कई हिंदू मंदिरों में इसे इंट्रिगेटली स्कल्पचर्ड मोटिव अर्थात जटिल मूर्तिकला के चिन्ह के रूप में भी देखा जा सकता है। ऊपर स्थित ये स्कल्पचर्स तो वाकई नैनाभिराम हैं, वह इस मंदिर को अनूठा बनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ की दूसरी अद्भुत विशेषता, यानी यहाँ की दीवारों पर भित्ति चित्र। कैमरे को नाइट विजन में ही टर्न रखते हैं, जिससे इन भित्ति चित्रों को प्रकाश से कोई हानि ना पहुँचे। मित्रों, पहले भित्ति चित्र में हम देख रहे हैं 7 ट्रंक्स अर्थात सूंड वाले एरावत हाथी को। यह वर्षा के देवता इंद्रदेव का वाहन है, वह सफेद रंग का है। हम देख रहे हैं नाचते व वाद्य यंत्रों को बजाकर जश्न मनाते हुए लोग। यह जश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ के राज्याभिषेक का। अगले फ्रेस्को में हम देख रहे हैं एक मुनि जो अपनी साधना के लिए जंगल में विराजमान है। जंगली जानवरों की उपस्थिति भी उनका ध्यान अपनी साधना से नहीं हटा पाती। अद्भुत दृश्य है दोस्तों। इन फ्रेस्कोज में अब हम पंच परमेष्टियों तथा जैन धर्म की कथाओं का चित्रण देख सकते हैं। इस फ्रेस्को में हम देख रहे हैं संवत्सरण। यह आध्यात्मिक प्रवचन भवन होते हैं दोस्तों, जो जैन तीर्थंकरों के सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेने पर प्रवचन करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये प्रवचन ऐसी भाषा में दिए जाते थे जिसे जानवर व इंसान दोनों ही सहज रूप से समझ जाते थे। इन भित्ति चित्रों में जैन धर्म से रिलेटेड अनूठा संसार छिपा हुआ है। इन्हें पेंट किया गया है पिगमेंट्स, वेजिटेबल डाइज व पत्थर के चूरे तथा कोयले से। यह तो वाकई काबिले तारीफ है दोस्तों। हम देख रहे हैं भगवान का अभिषेक। पहले जल से अभिषेक किया जा रहा है। Thank you.
जल के बाद अब भगवान का अभिषेक किया जा रहा है दूध से। अद्भुत दृश्य है दोस्तों। प्रभु की आरती का नजारा अलौकिक है। अब पुष्पों को भगवान को अर्पित किया जा रहा है। तथा समाप्ति पर वापस जल से अभिषेक किया जा रहा है। ऐसे अनूठे नजारे तो कम ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। वाकई अद्भुत है। इस मंदिर में 3 गर्भगृह अर्थात 3 सैंक्टम सैंक्टोरम हैं। हम देख रहे हैं जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु स्वामी की अलौकिक मूर्ति। असीम शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ पर। यहाँ 3रे गर्भगृह में हम देख रहे हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की यक्षी श्री कुष्मांडिनी देवी को, जिन्हें अंबिका देवी के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैन धर्म में हर तीर्थंकर के संरक्षण व देखभाल हेतु यक्ष और यक्षी का जोड़ा गार्जियन डीटीज की तरह होता है। इस मंदिर से बाहर निकलने को तो दिल ही नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ के भित्ति चित्र हमें बारंबार अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। साथियों, आज हमने गंगा डायनेस्टी की उत्कृष्ट मूर्ति कला व फ्रेस्कोज देखी। यह फ्रेस्कोज और क्राफ्टेड स्कल्पचर्स मठ की बस्ती को अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। चवन बेलगोला, यूं तो अपने गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा के लिए यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है, किंतु इसी के आसपास कुछ ऐसे इलाके व अति प्राचीन मंदिर आज भी हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। मगर इन्हीं मंदिरों व स्थलों पर पाए जाते हैं सहस्त्रों वर्ष पूर्व मूर्तिकारों द्वारा किए गए अति सूक्ष्म व जटिल कार्य के कुछ ऐसे नायाब व अनूठे स्पेसिमेंस जो पूरे विश्व में अद्वितीय हैं। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं 1026 एडी से लेकर 1343 एडी यानी आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व के दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में। तो आप तैयार हैं ना इस अनूठी यात्रा के लिए? हम चल पड़े हैं अपने गंतव्य भंडार बस्ती की ओर। दोस्तों, यह रास्ते भारत के सबसे सुंदर रास्तों में से एक है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। मित्रों, जरा सड़क पर गौर कीजिए, सामने यह कितनी घुमावदार है। अक्सर इतनी घुमावदार सड़कें पहाड़ी रास्तों पर ही दिखाई देती हैं। यहाँ प्लेन्स पर इनका आनंद ले पाना दुर्लभ है। तो लीजिए, हम प्रवेश कर रहे हैं श्रवणबेलगोला में। सामने है विंध्यगिरी पर्वत जिस पर गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। परंतु ध्यान रहे, हमें नीचे भंडार बस्ती की ओर बढ़ना है। मित्रों, 1026 एडी से लेकर 1343 एडी के बीच इन इलाकों पर राज था होयसाल साम्राज्य अर्थात होयसाल डायनेस्टी का। होयसाल साम्राज्य को आज भी उसकी बेहतरीन कला, स्थापत्य व अद्भुत मूर्तिकला के लिए याद किया जाता है। स्कॉलर्स होयसाल टेंपल आर्किटेक्चर को सभी स्थापत्य शैलियों से भिन्न व अनूठी विशेषताओं से युक्त मानते हैं। होयसाल आर्ट की सबसे प्रमुख विशेषता है पत्थरों पर की गई अति बारीक कारीगरी। होयसाल राजाओं के मूर्तिकार एक एक एक्सक्विसिट डिटेल को पत्थरों पर बड़ी इंट्रिकेटली गढ़ते थे। तो चलिए प्रस्थान करते हैं भंडार बस्ती की ओर, जहां हम होयसाल कला को करीब से देखेंगे। इस सुंदर मंदिर का निर्माण होयसाल वंश के राजा नरसिंह के प्रमुख खजांची अर्थात ट्रेजरर हुल्लैया ने 1159 एडी अर्थात आज से लगभग 850 वर्ष पूर्व करवाया था।
दोस्तों, ऊपर शिखर या विमान की निर्माण शैली टिपिकल होयसल आर्किटेक्चरल स्टाइल की है। इस भव्य ऊंचे मंदिर को अपने कंधों पर उठा रखा है मजबूत ऊंचे खंभों अर्थात पिलर्स ने, जिनका डिजाइन बिल्कुल सिंपल परंतु बहुत ही एलिगेंट है। मंदिर की एंट्रेंस के बाद स्थित मंडप को सरस्वती मंडप कहा जाता है, जिसका निर्माण रेनोवेशन के समय बाद में चंगल्व आमत्य देवप्पा ने विजयनगर शैली में करवाया। साथियों, सरस्वती मंडप में प्रवचन होते हैं। चतुर्विंशति मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाले इस मंदिर को राजा नरसिम्ह ने भव्य चूड़ामणि की उपाधि दी थी। भंडारी हुलमैया को, जिन्हें सम्यक्त्व चूड़ामणि की उपाधि दी गई थी, के नाम पर ही आगे चलकर कालांतर में इस मंदिर का नाम भंडार बस्ती पड़ा। दोस्तों, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर वाले इस मंदिर के गर्भगृह में 12 खंभे हैं। यहाँ का वातावरण काफी शांत है व अपने आप में एक भव्यता समेटे हुए है। समर वैकेशंस में हिल स्टेशन पे जाना तो बनता है, पर जब पूरा का पूरा स्नो वर्ल्ड आपके शहर में आ जाए तो समर क्या और विंटर क्या, हर मौके पर जाना बनता है। एक्सपीरियंस ट्रू थ्रिल एट स्नो प्लैनेट, इंडियाज बेस्ट स्नो अम्यूजमेंट पार्क, जीटी सेंट्रल मॉल बिहाइंड गौरव टावर, मालवीय नगर, जयपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828100083, 9828100083। नवरंग के द्वार के ऊपर लिंटेल पर स्थित मूर्तिकला को होयसल शैली में संपूर्ण विश्व में अति उत्तम माना गया है। मंदिर के ऊपर हम वही खूबसूरत पैनल देख रहे हैं जिसमें देवराज इंद्र को नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। नृत्य भंगी इंद्रदेव की मूर्ति को देख यही प्रतीत होता है कि यह अभी सजीव हो उठेगी। वाकई दोस्तों, मूर्तिकार ने इसकी प्रत्येक एक्सक्विसिट डिटेल को इतनी जीवंतता से पत्थर पर तराशा है कि होयसल आर्ट की प्रशंसा के लिए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गौर करिए किस प्रकार इंद्रदेव की उंगली में पहनी हुई अंगूठी, कंठ में पहने हुए हार व शीर्ष पर मुकुट सभी अपनी अपनी भव्यता का बखान स्वयं ही कर रहे हैं। थोड़ा और समीप से देखें तो इंद्रदेव के एक हाथ में धनुष व दूसरे हाथ में तलवार है। नृत्य करते हुए देवराज इंद्र के मुख पर भाव भंगिमाओं को मूर्तिकार ने मानो जीवित ही कर दिया है। आप देख रहे हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट व अन्य वाद्य यंत्रों को बजाकर जश्न मनाते हुए लोग। इस पैनल में दोनों ओर हम देख रहे हैं सिंहमुख। मित्रों, सिंहमुख होयसल स्थापत्य में विशेष महत्व रखते हैं। इन्हें अक्सर मंदिरों में इंट्रिकेटली स्कल्प्टर्ड मोटिव्स की तरह प्रयोग में लाया जाता है। सिंह मुखों को अक्सर मॉन्स्ट्रस लुक दिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि गर्भगृह अर्थात सैंक्टम सैंक्टोरम में प्रवेश करने से पूर्व हमारे अंदर की सारी बुराइयों को ये अपने अंदर समाहित कर लें। पैनल में नीचे जैन मुनि को ध्यान में लीन दर्शाया गया है। यह पैनल वास्तव में एक मकर तोरण अर्थात क्रोकोडाइल गेटवे डेकोरेशन है। पैनल में आर्च के दोनों ओर दो मकरों को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। इस पैनल में नृत्य मुद्रा में इंद्रदेव की मूर्ति को संपूर्ण विश्व में होयसल आर्ट का उत्कृष्टतम नमूना माना जाता है। इसी कारण यह मंदिर बेहद अनूठा है। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि इस तरह की प्राचीन कलाएं आज प्रायः लुप्त होती जा रही हैं। इन अद्वितीय कलाओं के नाम संदेश।
दोस्तों, इन कलाओं के संरक्षण के लिए हम सभी को एकजुट हो ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देना होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो तथा हमारी विरासत को यूं ही जीवित रख सकें। अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने पर हम एक ट्रेडिशनल रंगोली को बनते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, रंगोली भारत की बहुत ही प्राचीन लोक कला है, जिसे मंदिरों में देवी देवताओं का स्वागत करने हेतु बनाया जाता है। रंगोली के यह सुंदर रंग हमें होयसल साम्राज्य के वैभवशाली इतिहास का स्मरण करा रहे हैं, जब कला व स्थापत्य अपनी चरम सीमा पर थे। भंडार बस्ती की दूसरी अद्भुत विशेषता है यहाँ के गर्भगृह में स्थित जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाएं। ये प्रतिमाएं कला, धर्म और मूर्ति लक्षणों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक ही कतार में खड़ी इन मूर्तियों को देखकर मस्तक स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव जी से लेकर 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी तक सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां शोभायमान हैं, जो मन को श्रद्धा से ओतप्रोत कर देती हैं। प्रत्येक तीर्थंकर की मूर्ति के ऊपर हम मकर तोरण देख सकते हैं, साथ ही छत्र व ऊपर कीर्तिमुख भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हैं। मित्रों, इससे पहले इंद्रदेव के पैनल पर हमने देखा था सिंहमुख को, और यहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमा पर हम देख रहे हैं कीर्तिमुख को। मित्रों, कीर्तिमुख भी सिंहमुख की तरह ही एक अलंकार अर्थात एम्बेलिशमेंट है। इन मूर्तियों की ऊंचाई है 8.5 फीट बाय 3 फीट की। नीचे हर तीर्थंकर के दोनों ओर उनकी गार्जियन डीटीज यक्ष व यक्षी को भी चित्रित किया गया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन यहाँ बड़ी धूमधाम से रथोत्सव अर्थात कार फेस्टिवल मनाया जाता है। पत्थरों पर की गई मूर्तिकला अत्यंत बारीक, सोफेस्टिकेटेड व जटिल है, जो यहाँ मिले एक शिलालेख में इस मंदिर को दी गई उपाधि गोमटपुर का भूषण को साकार कर देती है। तो साथियों, आज हम गए थे होयसल साम्राज्य के उस काल में, जब पत्थरों पर बेहद बारीक व नायाब मूर्तिकला तथा अद्भुत क्राफ्टेड स्कल्पचर्स का कार्य किया जाता था। यह स्कल्पचर्स भंडारा बस्ती को बहुत ही आओ इंस्पायरिंग बनाते हैं। तो उन मूर्तिकारों का नमन करते हुए वापस लौट आते हैं अपने वर्तमान में और विराम देते हैं आज की इस अनूठी यात्रा को। अगले सप्ताह हम आपको ले चलेंगे श्रवण बेलगोला के विंध्यगिरी पर्वत पर स्थित कुछ अन्य अनएक्सप्लोर्ड स्थलों पर।